गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी कृतिका तवर एंड गेस व्हाट व्हाट इज इन टुडेज वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इंडियन ग्लास स्किन रिचुअल्स इन जस्ट 30 डेज एंड 10 स्टेप्स। एंड इस वीडियो में जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं वो सारे ही बिल्कुल नेचुरल एंड ऑर्गेनिक होने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है फेस क्लेंजिंग, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। एंड इसके लिए मैंने यूज़ किया है रॉ मिल्क। रॉ मिल्क के अंदर होता है लैक्टिक एसिड एंड ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से स्मूथ करेगा, क्लीन करेगा, नरिश्ड करेगा, सॉफ्ट करेगा, शाइनी बनाएगा एंड जो भी आपके फेस पे कुछ भी डर्ट होगी उसे क्लीन करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो हमने लिया है एक कॉटन की बॉल, उसको हम डिप करेंगे रॉ मिल्क के अंदर एंड सारे ही फेस पे, पूरे फेस पे, नेक तक अच्छे से क्लीन कर लेंगे 5 to 8 मिनट्स तक। ठीक है, अच्छे से क्लीन हो जाए हैंड, उसके बाद हम हमारे फेस को या तो वॉश कर लेंगे या एक क्लीन टॉवल या नैपकिन की हेल्प से। देन जो हमारा सेकंड स्टेप है वो होने वाला है फेस स्टीमिंग। ये मैंने कैसे किया है मैं आप लोग को बता देती हूँ। इसके लिए मैंने पहले किया है बॉइल वाटर। वाटर को बॉइल करने के बाद मैंने यूज किया है एक सॉफ्ट सा कॉटन का या कोई भी चीज का, आप टॉवल ले लो, नैपकिन ले लो, फिर उसको आपको डिप करना है वाटर के अंदर एंड एक्सेस निकालकर आपके फेस पे रखना है, अपने आप स्टीम होती जाएगी। ठीक है, ये आपके पोर्स को ओपन करेगा, हाइड्रेशन मिलती है आपकी स्किन को, एक्ने से भी बहुत अच्छे से फाइट करेगा। ये आपको 5 to 8 टाइम्स करना है। एंड देन जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है एक्सफोलिएटिंग। इसके लिए जो मैंने फर्स्ट इंग्रेडिएंट यूज किया है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि है राइस पाउडर 1.5 टेबल स्पून। एंड उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है हनी एंड उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा मिल्क। ठीक है, आप लोग हल्दी या चंदन पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो आप लोग के पास हो तो। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर लो। मिक्स हो जाने के बाद आपकी स्किन पे एकदम स्लोली, एकदम सॉफ्ट हैंड से, फिंगर्स की हेल्प से अच्छे से हम लोग इस पर मसाज करेंगे, अपनी फेस को स्क्रब करेंगे, एक्सफोलिएट करेंगे। आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा सा हेल्दी ग्लो, स्मूथ बनाएगा, आपकी स्किन का टेक्स्चर एकदम सॉफ्ट सा हो जाएगा। जो भी डेड स्किन सेल्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं, थोड़े थोड़े अच्छे से बिल्कुल निकल जाएंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग वंस और ट्वाइस इन अ वीक ही यूज करें। ठीक है, अच्छे से आपको मसाज करनी है 5 to 8 मिनट्स के लिए एंड लास्ट में कोई भी कॉटन के टॉल या वेट टॉल की हेल्प से या वॉश कर लीजिए आप लोग। ठीक है, एंड देन जो हमारा फोर्थ स्टेप होने वाला है वो है फेस पैक। इसके लिए मैंने सबसे पहले यूज़ किया है बेसन, 1 टेबल स्पून बेसन। सेकेंड इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किया है दूध वाली मलाई। ठीक है, एंड थर्ड इंग्रेडिएंट है पिंच ऑफ टर्मरिक, है ना। एंड उसके बाद मैंने लास्ट इंग्रेडिएंट यूज़ किया है इसके अंदर ऑरेंज पील पाउडर। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे एंड मिक्स हो जाने के बाद हमारे फेस पे इसको अप्लाई करेंगे। एंड हल्दी तो आप लोग को पता ही होगा बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है, बहुत सारी बड़े बड़े ब्रांड्स यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट्स में हल्दी को। एंड बेसन भी मतलब आप लोग के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप लोग के फेस पे कोई भी टैनिंग है तो बेसन इज़ परफेक्ट। ठीक है, एंड उसके बाद मैंने यूज़ किया था मलाई एंड ड्राई स्किन वालों के लिए मलाई तो बहुत ही ज़्यादा सेवियर प्रोडक्ट है। एंड अब 20 मिनट्स रखने के बाद अच्छे से फेस को वॉश कर लेंगे। अब जो हमारा फिफ्थ स्टेप होने वाला है वो है आइसिंग। एंड अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप लोग नैपकिन में रख कर भी कर सकते हैं और नॉर्मल है तो आप लोग कैसे भी आइसिंग कर सकते हैं। एंड हमने बहुत सारे स्टेप्स पहले फॉलो किए हैं एक्सफोलिएटिंग पैक्स, तो इससे क्या हुआ ना आपकी स्किन के जो भी पोर्स होते हैं वो प्रॉपरली एकदम अच्छे से ओपन अप हो गए हैं। एंड अब हम क्या करेंगे ना, आइसिंग की हेल्प से हम लोग उसे टाइटन अप करेंगे एंड लास्ट में आप लोग को एकदम रेड रेड स्किन मिलेगी आपकी, एकदम सॉफ्ट। अगर आप चाहें तो इस प्रोसेस को यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, बट मैं आगे भी सारे स्टेप्स फॉलो करूंगी। तो जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो है हमारा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल या कोई भी जेल को आपको अच्छे से आपके फेस पे मसाज करना है 5 to 10 मिनट्स के लिए। एंड अब जो प्रोसेस होगा ना, अब जो स्टेप होगा वो पार्लर्स में भी यूज़ होता है, पार्लर्स में भी करते हैं आप लोग को पता होगा। तो अब मैं कर रही हूँ जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एलोवेरा जेल के बाद फिर से आइसिंग अपने फेस पे। ये वाला पार्लर्स में भी बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है, यूज़ होता है ये वाला प्रोसेस। ठीक है, एंड आइसिंग करने के बाद आप लोग देख ही सकते हैं कितना प्यारा सा ग्लो आ रहा है, एकदम क्लियर स्किन लग रही है। ठीक है, अब आप लोग देख ही सकते हैं मेरी पूरी स्किन बिल्कुल रेड रेड हो गई है। एंड अब हमारे स्किन के पीएच को बैलेंस करने के लिए आप लोग टोनर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं यूज़ कर रही
हूँ यहाँ पे मॉइस्चराइजर, ठीक है। ये मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजर है जॉनसन्स बेबी का। इसको अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप मैं फॉलो करूँगी, वो मैंने यूज़ किया है ऑयल। मैंने यूज़ किया है आलमंड ऑयल, बादाम का तेल। आप लोग कोई भी ऑयल, एसेंशियल्स ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इससे मैं अच्छे से अपने पूरे फेस पे, ये लास्ट स्टेप होने वाला है, पूरे फेस पे बिल्कुल अच्छे से अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से अच्छे से मसाज करूँगी। अगर आप लोगों को फेस मसाजिंग पे एक पूरी प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कॉमेंट करके बताना, मैं आप लोग के लिए ज़रूर बनाऊँगी वो वाली वीडियो। एंड लास्ट में जो स्टेप था ऑयल वाला, ऑयल मसाजिंग वाला, वो स्टेप फॉलो करने के बाद मुझे कुछ ऐसा रिजल्ट मिला है, सॉरी। ओके, एंड आप लोगों को भी कुछ ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा, एंड यू विल बी थैंक मी लेटर फॉर श्योर गाइस। आप लोगों को बहुत ही अच्छा सा, सुंदर सा, एकदम प्यारा सा ग्लो मिलने वाला है। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, हेल्दी लगेगी। एंड आप लोग को ये स्टेप्स फॉलो करने हैं पूरे 30 डेज के लिए, एंड ये पूरे 10 स्टेप्स ही है। एंड जो भी मैंने आप लोग को स्टेप्स बताए हैं वो बिल्कुल अच्छे से बताए हैं, एंड सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने किचन वाले यूज़ किए हैं। एंड स्टीम वाला स्टेप आप लोग 10 डेज में एक बार यूज़ करें। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।